कई बार घटनाएं घटित हो चुकी है, उसका मुकदमा ऐसे अपना पत्नी में लड़का हो जाए कि अगेन मुजरिमों को सजा ना मिले और अगेन इस तरह की समस्या क्रिएट हो जाए, आप भी चाहते हैं तो विवेचना होगी, पीट के विवेचना होगी, बढ़िया फूल से फूल लड़ना है विवेचना का। हमारी पुलिस की भाषा से शब्दा नहीं की जाती है किसी विवेचना का, जब फूल से फूल लड़ता है अच्छी विवेचना होती है, जब सारे फैक्ट सामने आते हैं सारे विवेचन सिलेक्ट होते हैं तब वो मजबूत विवेचना होनी चाहिए। मैं मजबूत विवेचना कराऊंगा, मैं आपको ये आश्वासन नहीं दे सकता कि सब एक घंटे में हो जाएगा दो घंटे में हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर आश्वासन दे सकता हूँ कि मुकदमा मैं सेट करता हूँ होगा तो बहुत मजबूती के साथ करना होगा। तो मैं इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे रखते हैं कि नहीं बताइए। मैंने बात कही कि विवेचना जब भी मतलब मुकदमा खुलेगा तो अच्छे से मुकदमा खुलेगा, आप सभी लोग सहमत है कि नहीं ऐसा होना चाहिए? सुरक्षा के लिए गनर जो है इनके जो मुकदमे के बाकी है दीपक उन्हें प्रोवाइड करा दिया गया है, जो अनु चौधरी ऑलरेडी उनके पास एक गनर था, गनर लोग सिपाही कमे हैं उसकी संख्या हमको बढ़ाऊंगी, ऐसा मैं पहले भी परिवार को बता चुका हूँ, उनके घर पे गार्ड सब लोगों को ये उससे ना ऑलरेडी घर पे गार्ड लगी हुई है, तो जो बेस्ट पॉसिबल सुरक्षा हो पुलिस प्रोटेक्शन देती है, जो सुरक्षा गार्ड देती है उसका कुछ पैसा नहीं देना पड़ता, तो लोग चाहते हैं कि कोई शुल्क पे नहीं दिया गया है, विभिन्न विभिन्न उसमें प्रावधान है जो शासनादेश में है, उस शासनादेश में ये भी प्रावधान है कि कुछ लोगों को शुल्क पे दिया जाता है, कुछ लोगों को निःशुल्क पे दिया जाता है, उन निःशुल्क जो है उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, ऐसा मैं पहले भी परिवार को बता चुका हूँ। शेखर के लोगों के साथ शेखर के साथ उनका उठा बैठा था, हमारी नजर में पत्रकारों की नजर में पुलिस के बाद भी दो महीने पहले SPCP तत्कालीन SSP SHO सबको अनु चौधरी ने हमारे साथ मिला के दो चार और पत्रकारों के साथ मिला इसी तौर पर सूचना देने को पाएंगे, इसके बाद में 8-10 बार हम लोग मिले कोई प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन अमित चौधरी को लग रहा था इस इंस्पेक्टर ने अमित चौधरी से पूरा था भाई सावधान में, सावधान कैसे रहेगा भाई, हम क्या सावधान, पुलिस ही सावधान क्या कि तुमने बचाया क्या? आप सचिन से पूछ लीजिए, आप सचिन से पूछ लीजिए, आज ये सुनिए ये शक्ति के साथ आए थे सचिन से पूछ लीजिए, मैंने इनसे कहा था कि आपको डुप्लीकेट पेनल्टी के लिए और मैं सियाबी गेट थाने की कार्रवाई में कौन सा नहीं करना, मैं इनके पहले से जांच कर लूंगी, मैंने कहा था ये गलत भी है, आप लिख लीजिए मैं ठीक है बस Thank you.
बहिष्कार कर। हिमांशु जी एक रजिस्टर मंगाइए, सबके साइन कराइए, नाम टेलीफोन लगाइए। सीसपाल जी बोलेंगे, सीसपाल जी को पांच आदमी वाले पांच के हम खड़े। आप कहीं भी कप्तान साहब हमें बुला दीजिए, सारे पत्रकार होंगे बोलेंगे सिर्फ पांच भैया, पांच आदमी अंदर जाके बैठ गए। नहीं नहीं यार, आप सबने ये कहा था लाया है वो वाली चीज। उन्होंने अभी सर को बता दिया था कि इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करो, यदि उसमें है वो निलंबित नहीं और उस पर कार्रवाई की बात सर कह रहे हैं कि जहां तक है पूरी उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी। और जो जो बदमाश है, क्योंकि वो जो टीम है उसमें से एक टीम में वो भी काम कर रहे हैं, तो उनकी ब्रेक में भी कुछ बदमाश है जो कि उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और जहां तक है संभव था वो जल्दी से जल्दी उस शूटर तक पहुंचेंगे जिन शूटर ने गोली मारी। ऐसा ही है सर, और जो भी आपको सबसे प्रकट जो भी सही था आप लोगों को बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप गलती हुई और कार्रवाई तो कार्रवाई समय प्रकट मिलना चाहिए। दूसरी बात है, इस समय प्राथमिकता में जो चीज है हम लोगों के लिए और हमारे आप लोगों की प्राथमिकता में होना चाहिए वो गिरफ्तारी है, और गिरफ्तारी भी रूटीन वे में गिरफ्तारी नहीं, लेकिन सीरियस केस है पहले की घटना हो बढ़िया एविडेंसेस के साथ मुकदमा बन गई है, उससे बेल ना हो, बेल हो भी तो कल को फिर जो है मतलब एक कसर की स्थिति होती है। तो हमारी प्राथमिकता में वो होना चाहिए, आपकी प्राथमिकता पे और हमारी प्राथमिकता पे है ना। तो आप लोगों से सर्विस चाहिए उस पर अभी हमें कंसनट्रेट करना है, और आप कस्टमर प्रॉपर जाँच करा जो भी फैक्ट्स हैं मैं खुद आप लोग के सामने खड़ सकूँगा और उसके बेसिस पे ठीक है। आप बताओ, जैसे मैंने तो बोला है सर कि वहां तक पहुंचो और उसको पकड़ो, और यदि आप मान रहे हैं कि तीन दिन के अंदर अगर वो फैक्ट नजर आ रहे हैं आपको तो आप कार्रवाई करें। अब कितने दिन का समय और लेंगे? मैं तो अभी आया हूँ, तीन दिन का आपने कहा था चौथा हो गया, चौथा भी खत्म, अब कितने दिन का? क्योंकि मैं उस समय तक तो पहले वाले में मैं नहीं आ पाया था, क्योंकि